हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं चटपटे चने की मजेदार रेसिपी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इनको आप सुबह के ब्रेकफास्ट में या शाम के चाय के टाइम में सर्व कर सकते हैं। चने बनाने के लिए हम एक बाउल चने लिए हैं और कम से कम हम 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। इतने चने भिगोने के लिए कम से कम आधा किलो हम पानी डालेंगे, जिससे ये अच्छी तरीके से फूल जाए। ये पानी को बहुत ज्यादा सोख लेते हैं। ये देखिए अच्छे से फूल गए हैं। अब इन चनों को हम बॉयल करेंगे। इसके लिए हम चनों को प्रेशर कुकर में डालेंगे और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। हमने करीब 300 ग्राम पानी ऐड किया है और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। इन पे हम लेट लगा देंगे और इनको हम सीटी आने के बाद करीब 30 मिनट तक पकाएंगे। आप देखिए इसमें स्टीम भर गई है, ये सीटी आने लगी है। अब हम फ्लेम को सिम कर देंगे और इनको हम 30 मिनट के लिए पका लेंगे। अब 30 मिनट हो गए हैं, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे। अब कुकर ठंडा हो गया है, अब हम अपने चने चेक करेंगे कि ये पके हैं कि नहीं। इसके लिए हम चने को देखते हैं। ये देखिए, हम एक चना लेते हैं और इसको हम दबा के देखते हैं। देखिए ये इस तरह से एकदम पक गया है। चना बनाने के लिए चने को पर्याप्त मात्रा में पका होना बहुत जरूरी है। अगर चना अच्छे से पका नहीं होगा तो ये कितना भी टेस्टी बना हो, लेकिन ये खाने में आपको टेस्टी नहीं लगेगा। इसलिए चने को पकाने में विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हम देख लेते हैं चने बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमने 2 हरी मिर्च चॉप करके ली है, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच जीरा, करीब 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और उसको हमने चॉप किया है। हमें चाहिए कसूरी मेथी, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच खटाई और 1/2 चम्मच लाल मिर्च, हींग। अब हम एक पैन लेंगे, पैन में ऑयल गरम करेंगे, इसमें हम जीरा डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और इसमें हम अजवाइन डालेंगे, साथ ही हम अदरक डालेंगे, भुनेंगे। अब ये मसाले हमारे भुन गए हैं। अब इसमें हम फ्लेम को सिम करके हल्दी ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारे मसाले जले नहीं। अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे, लाल मिर्च ऐड करेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे और इनको हम 2 मिनट के लिए भूनेंगे। देखिए अभी हमारे मसाले भुन गए हैं। अब इसमें हम कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, और साथ ही हम अमचूर पाउडर भी ऐड करेंगे। फ्लेम को हम सिम रखेंगे। अब ये हमारे मसाले हो गए हैं, अब हम चनों को डालेंगे। चनों को हम इस तरह से डाल देंगे और इनका हम पानी नहीं डालेंगे। चने डाल दिए हैं, अब इनको हम मिला देंगे। आज हमने चने बनाए हैं बिना लहसुन और प्याज के। ये बिना लहसुन प्याज के भी चने बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए ये चनों में मसाला किस तरह से अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे।
अब 2 मिनट हो गए हैं, अब हम चनों को देखेंगे। ये देखिए चने कितने अच्छी तरीके से हमारे पक गए हैं और सारा मसाला भी चनों में अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इनको आप रोटी या चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या आप नाश्ते में ऐसे भी इनको खा सकते हैं। अब इनको हम सर्व कर लेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये बिना लहसुन प्याज के चटपटे चने तैयार है।